हमारे पीछे। चीज की खुशी हो रही है कि हम रात को आए हैं। हमें भी अपनी फैमिली को लेके आना चाहिए, रात को पास से देखूं। हेलो फ्रेंड्स, तो दिल्ली के शहर में आपका स्वागत है और आज हम आए हैं इंडिया गेट और हम जाने वाले हैं इंडिया गेट में देखने के लिए कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि काफ़ी सुना है कि बहुत नया नया चीज़ अपडेट हो चुका है और हम काफ़ी टाइम से नहीं आए क्योंकि हम स्कूल टाइम पे आए थे, वो भी स्कूल वालों की तरफ से पिकनिक पे। तो आज हम जा रहे हैं देखने के लिए क्या क्या हुआ है, तो चलो हम आपको दिखाते हैं। अब हम जा रहे हैं चलते चलते, और स्वीटी फिर कुछ बोल रही थी अभी, बट जब तक मैंने कैमरा ऑन किया तब तक स्वीटी अपना मुंह बंद कर ली। ऐसा कुछ नहीं है अभी यहाँ पे, फिर ये ज्ञान दे रही थी और मैंने इसका ज्ञान नहीं लिया। अब आप इसका ज्ञान ना लेते हुए चलते हैं इंडिया गेट। बस थोड़ा सा चलना पड़ेगा, मैं आपको दिखाती हूँ कितना डिस्टेंस है कि उस पार है। हाँ, रोड के उस पार। अब पहले पता क्या होता था, पहले ना पुलिस वाले खड़े रहते थे। अरे मैं बता रही हूँ। अच्छा, आज मधु ज्ञान दे रही है। मैं तो आज सिटी मैं हूँ, ठीक है, और ये मधु है। अब ना अंडरग्राउंड रोड क्रॉस करने का बना दिया है, मतलब अब आप रोड से नहीं जा सकते, नीचे से अंदर ही अंदर जाओ, अंदर ही अंदर आओ। ये सेफ है, ये थोड़ा अच्छा है। हाँ, क्योंकि रोड से जाना आना बहुत प्रॉब्लम होता था, बट ये सही हुआ कि अंदर ही अंदर आ रहे हैं, अंदर ही अंदर जा रहे हैं। और कितने सारे लोग देखो मेरे पीछे, सब आ रहे, सब जा रहे हैं देखने के लिए हमारी तरफ। हम भी जा रहे हैं घूमने के लिए, और आपको तो पता ही है हम घूमने के लिए निकलते हैं, नहीं घूमने नहीं निकलते, ये इतना सच नहीं बताना था यहाँ पे। सॉरी, चलता है चलता है। अब हम चल चल के थक गए हैं, फिर भी चलेंगे। हम जब स्कूल टाइम में आए थे ना, तो मतलब दिन में आए थे, हमें जाने भी नहीं दे रहे थे देखने के लिए ऐसे। हाँ हाँ, स्कूल में ना, स्कूल टाइम पे सारे बच्चों को एकदम लाइन से ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 देखते थे। जैसे हम अभी आते हैं अकेले, हम कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी एक जगह को एक्सप्लोर करते हैं, तो हम अपनी मर्जी से करते हैं, मगर स्कूल वालों के साथ जाओगे भाई साहब एक लाइन, और ऐसे गर्दन होती थी सारे बच्चों के, ऐसे एक झपक इधर से उधर कोई बच्चा नहीं कर सकता था। तो मतलब वो टाइम भी अच्छा था यार, फ्रेंडों के साथ। टाइम के बाद हम आ जा रहे हैं, टाइम हो गया बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सेवेंथ में लेके गए होंगे, और हम दोनों तो एक ही क्लास में थे, एक ही क्लास में थे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम इंडिया गेट के पास आ गए, हमने अभी दूर है इतना तो पास आए यार, स्कूल वाले इतने दूर से दिखाते थे। हाँ सच्ची में, सच्ची में आपको पास से देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, हम इतने दूर से देख के जाते थे इंडिया गेट ऐसे, और ऐसे लाइन चलती थी हमारी ऐसे ऐसे, मतलब ये मैं रात को पास से देखूंगी खुशी। हाँ, मैं रास्ते पे वहाँ से रोज जो मेन रोड है ना, गाड़ी से चलते देखती थी इंडिया गेट। हाँ, ऐसे गाड़ी में बैठे बैठे इंडिया गेट देखते देखते हम थक गए थे, मगर जब आप खुद टाइम निकाल के हम पर्सनली आए हैं देखने के लिए, तो अच्छा लग रहा है, खुशी सी हो रही है। और सबसे अच्छी बात क्या, धूप नहीं है, मतलब नाइट में है और अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है, वरना धूप में हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो चलो सीटी, रश नहीं मिलेगा, मिल रहा क्यों मिलेगा स्वीटी को, सबको नहीं, नहीं सारे पब्लिक को पता है स्वीटी आ रही है इंडिया गेट देखने, तो खाली कर देंगे। तो आप इसका टैलेंट देख सकते हो, ये मेरी फ्रेंड है, बट दिमाग नहीं है, कोई बात नहीं, बट मेरी फ्रेंड है ये। तो प्लीज है कि आपको मेरे में दिमाग नहीं है, हमें तो लगता है, आप भी कमेंट में जरूर बताना, आपसे नहीं पूछना, नहीं आप सब कमेंट में ये सवाल का जवाब जरूर देना। मैं बता रही हूँ, इंडिया गेट घुमाते हैं, नहीं मुझे मार देगी। तो इंडिया गेट दिख गया? नहीं नहीं, ये इंडिया गेट नहीं है। नहीं नहीं, लिखा है। अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है वो देख, इंडिया लिखा है। हाँ, गेट कहाँ लिखा है? गेट तो ये गेट है, समझ ले। वाह, ये इसे कहते हैं। ये देखिए, रात को सबसे अच्छा है, अच्छा लग रहा है। मधु कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। पहली बात इस चीज की खुशी हो रही है कि हम रात को आए हैं। हाँ, सबसे ज्यादा इसी चीज की खुशी। लाइटिंग क्या मस्त हो रखी है, और आप देखोगे इसकी लाइटिंग भी चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है इसका। हाँ, अच्छा नोटिस नहीं कर उस पे देख। ये हमने पास से देखा इंडिया गेट। हम इंडिया गेट आ गए, ये रहा हमारे पीछे। मैं इंडिया गेट दिखा रही थी मधु के मुंह।
अभी आप लोगों के सामने नहीं लड़ूंगी, बाद में लड़ूंगी। मैं, मेरी कोई गलती है, ये पीछे है, मैं आपको इंडिया गेट दिखा रही हूँ। फिर ऐसे करके दिखाना जरूरी है? कैसे दिखाऊं, कैसे? ये रहा इंडिया गेट, ये ठीक, ये ठीक है, ऐसे ही दिखाते हैं ना इंडिया गेट। हम इंडिया गेट के थोड़े और पास जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं पास से पूरा। ये देखिए हमारे पीछे ही हाफ आ रहा है। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा दूर जाके दिखाती हूँ। तो आप वहीं खड़े होके ऐसे करके दिखा देते हैं तो वैसे दिखाए। मैं इनको पास से दिखाने आई हूँ कि इंडिया गेट कैसा दिखता है। ऐसे आएगा, ऐसे हमको थोड़ा सा ऐसे करो, इंडिया गेट आया। कलर चेंज हुआ, देखा आपने? देखा, मैंने सही कहा था, कलर चेंज होता है। मधु सही बोलती है हमेशा। आज मधु ज्ञान की बातें कर रही है, वैसे पता है आपको, आज सारा ज्ञान, मेरा ज्ञान सारा इसमें चला गया है। क्योंकि आज मैंने 15 दिन के बाद मोमोज खाए इसलिए। और हमेशा खाती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा नहीं खाती, कभी कभी खाती थी। फ्रेंड्स, हमें इंडिया गेट के सामने ये डांस दिख रहा है, डांस देखने को मिला है यहाँ पे। डांस देखने के लिए यहाँ काफी लोग खड़े हैं, वो मधु भी खड़ी है, उसे डांस देखना था, इसलिए वेट कर रही थी कि कब ये डांस करेंगे और वो देखेंगे। अच्छा डांस कर रहे हैं, आपको पास से दिखाती हूँ। हम इंडिया गेट के आगे थे, अभी इंडिया गेट के पीछे जा रहे हैं कि क्या है। वैसे सेम है, बट मधु को नहीं पता है कि कैसा दिखता है। पता है आपको? सेम ही दिखता होगा यार, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। देख, यहाँ पे पब्लिक ज्यादा है और यहाँ पे ना, मतलब मुझे तो थोड़ा सा चेंज है। मुझे वहाँ पब्लिक ज्यादा लग रही थी वैसे, पर मुझे यहाँ लग रही है, तो अब क्या करूँ? कुछ अलग नहीं है मधु। फ्रेंड्स, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, हमसे नहीं फ्रेंड्स, हमसे नहीं, सीटी से गलती हुई है थोड़ी सी। मैंने इसे बोला था कि पीछे चल के देख, कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन तो वो है क्योंकि इंडिया गेट के पीछे, इंडिया गेट सेम है, बट ये सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो प्रतिमा बनी हुई है, तो वो बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है, तो बस यही। लेकिन गेट सेम दिख रहा है, लेकिन बस गेट के सामने ही है, कुछ तो डिफरेंट है ना। ये देखिए, अभी 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 बना है, जब हम आए थे पिछली बार तो नहीं था, अभी अभी नया जो यहाँ पे हुआ है ना, तब ये बना है। अच्छा लग रहा है ना, यहाँ फोटो वोटो शूट करने बहुत आए लोग। फाउंटेन कहते हैं शायद? अच्छा नहीं, फाउंटेन तो पहाड़ को कहते हैं, उसे माउंटेन कहते हैं मधु। अरे नहीं यार, ये देखिए मधु का टैलेंट, इसने फाउंटेन को माउंटेन बना दिया। इस बात को इग्नोर करते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। लेकिन आप इग्नोर मत करिएगा, वो अच्छा लग रहा है। तीन कलर, ऑरेंज नहीं है, रेड क्यों दे दिया? वो ऑरेंज दिया है, हमारे इंडिया का, हमारे तिरंगे का कलर है ऑरेंज वाइट ग्रीन, तो उसको रेड कर दिया है, मतलब रेड हो गया है वो पानी के उससे, बट ऑरेंज ऑरेंज ही देना चाहते थे। हम फिर से आ गए इंडिया गेट के पास, इंडिया गेट के पास हम फिर आ गए, लेकिन अब हम घूम लिए, थोड़ा सा आपको और सैर कराते इंडिया गेट की, उसके बाद हम चलेंगे घर, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। इसी को मधु माउंटेन बोल रही थी, माउंटेन मधु, हम माउंटेन देख लिए इंडिया गेट में। अरे यार, ये इंडिया गेट के सामने, ये देखिए, ये साइड का है, फिर ये सामने बना है। अच्छा लग रहा है यार, अच्छा अच्छा अभी पता है, यहाँ फोटोशूट बहुत मस्त मस्त होगा। एक आप फोटो खींच दी मेरी, चल। मैं मधु से थोड़ा सा फोटो शूट करवाती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ, ठीक है? अंदर नहीं जाने देते यार, तो फ्रेंड्स आप फैमिली फ्रेंड के साथ भी आ सकते हो। ये देखो बच्चों को, अपने अपने बच्चों को सब पिकनिक पे लेके आए हैं, आराम से इंजॉय कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आइसक्रीम कोई खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, इंजॉय कर रहे हैं मोमेंट को। हमें घर जाने का ही मन नहीं कर रहा है, ये देखो यही पे अच्छा लग रहा है यार, हम यही रह लो सिटी, यही रह लो, चल थोड़ा बैठ जाते, चल बैठते थोड़ी देर में, लेकिन लेट हो रहा है हमें। हाँ, इसको लेट भी हो रहा है, इसको बैठना भी है, और इसको ठंडी ठंडी हवा भी लेनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है, और बहुत मस्ती करते हैं लोग सब,
सब एक फैमिली टाइम, फैमिली को टाइम देना तो यहाँ आओ यार। यहाँ पे वो राइड मिलती नहीं, वो बाइक वाली, वो हाँ रोड के उस साइड मिलती है, बाइक वगैरह रहती है। हाँ 50 रुपए लगता है, 100 रुपीज पहले 50 रुपए लगता था। फ्रेंड्स आपको पार्किंग रोड के उस साइड मिल जाती है, अगर आप अपने अपनी गाड़ी से अपने अपने बुलेट से आ रहे हो, अपने अपने BMW से आ रहे हो, तो आपको पार्किंग उस साइड मिल जाएगी और अच्छी लंबी चौड़ी पार्किंग है। और वहाँ पे भी, वहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा है। और हमें भी अपनी फैमिली को लेके आना चाहिए एक बार। फैमिली के साथ आएंगे तो घर पे कोई वेट करेगा नहीं, आराम से बैठेंगे दोनों घर पे। हाँ अच्छा है, सामने इंडिया गेट है, देखिए एकदम सामने इंडिया गेट है, कितना सुंदर लग रहा है यार। हमने फाइनली इंडिया गेट सामने से देखा, बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा था। कलर तो मुझे इतना अच्छा लगा होगा, कलर जो चेंज हो रहा था ना बहुत अच्छा था ना, वो तो काफ़ी अच्छा था। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।